सी पूरा अटैक करो पर जैसे आपने ये जोर से एक एंड से उस आप डेली होगी आप वहां से भाग सकते हो ये छोटी छोटी दस दिन यहां सिखाई जाएंगी ये जोर से इधर मारना है बिल्कुल जोर से पूरा ये हैंड फ्री है पूरा जोर से प्रेशर करना है या पंच भी कर सकते हो फिर एक और चीज अगर ये है ये कान में प्रेशर पॉइंट होता है ये

मेंटली भी जो है वो टफ़ होंगी मेंटली जो है सिचुएशंस को हैंडल करने के काबल होंगी तो ये इनका बहुत अच्छा स्टेप है मैं चाहूँगा और इनको कहा गया है कि ये सारे जो कोविड के रिलेटेड एस हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो निकले हमारे तो उनको फॉलो करके ये दस दिन का कैंप लगाएँ तो ये बहुत ही अच्छा अप्रिशिएबल स्टेप है इनके पहले मैं आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहूँगा पूछ डिस्ट्रिक्ट टाइकांडो एसोसिएशन जिनका यह इनिशिएटिव है गर्ल्स को इन्वॉल्व करना सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में हालांकि आज से पहले जितने भी कैंप होते थे तो उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट करते तो इस बार डिस्ट्रिक्ट टाइकांडो एसोसिएशन ने हटके एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें ओनली गर्ल्स को इन्वॉल्व किया है और दस दिन यहाँ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होगी तो टाइकंडो के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि इस गेम को यहाँ आए हुए कुछ ही देर हुई है कि दो तीन साल का समय ही हुआ है तो दो साल में काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव परफॉर्मेंस आई है हमारी गर्ल्स की तो पिछले कुछ दिनों में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से एक स्टेट लेवल का चैंपियनशिप भी यहाँ ऑर्गेनाइज करी गई थी जिसमें पंद्रह से सोलह डिस्ट्रिक्ट हमारी यूटी लेवल के यहाँ पार्टिसिपेट किए थे तो मैं आपको बताता चलूँ हमारी गर्ल्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और पूरी रियासत में हमारी हमारा जो पुछ है वो नंबर वन आया था ये अंडर फोर्टीन और अंडर सेवेंटीन की जो ओवरऑल ट्रॉफी है वो हमारी गर्ल्स ने जीती तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड गर्ल्स हैं हमारे पास हालांकि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर हमारी गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकी हैं जैसे स्टेट लेवल की बात करें और कुछ हमारे पास तो इतनी अच्छी गर्ल्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को भी रिप्रजेंट कर चुकी हैं तो एज ए कोच मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आने वाले टाइम में हमारी गर्ल्स डेफिनेटली हमारे देश के लिए मेडल लाएंगी सबसे पहले आपने तो पहले सुना ही होगा जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि ऑलवेज वर्क इन नो प्ले मेक जैकेट डल बॉय तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बड़ा एक वेलकम स्टेप है कि हमारे पूछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है और साथ में यहाँ पर ये यह भी देखा जा रहा है कि हमारे जो यहाँ स्पोर्ट्स के कोई साहिबान हैं इनकी इनका बहुत हार्ड वर्क है और उस चीज़ को लेके हमें भी बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि हमारे बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए वो कुछ अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे तो मैं तो यहाँ पे ये यह मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है हमारे पूछ पे यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है और बच्चे इसमें इस बहुत खुशी से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं इवन हमारे बच्चे हमें वहाँ से खुल के आके बोल रहे हैं कि हमें ग्राउंड में जाना है और अपने आप को वहाँ पर जाके तैयार करना है किसी भी ऐसे सिचुएशन के लिए जो अवॉइडबल होनी चाहिए तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाहता हूँ कि जैसे इनका मैंने सुना है इनके अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं और ये हमारा स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे हमारे बच्चों को लेके कर कम्पीट करवा रहे हैं एं तो ये इनके लिए ये मुबारक मस्तिक हैं तो इस पर